दीजिए कि लाइट चल रहा है, आपने मुझे बता दीजिए आप। आपने मुझे लाइट क्या लिखा हुआ है? अब जो बोल रहे थे कि सब सुन लेने, उपरोक्त निर्माण को लगभग 5 माह पूर्व ही रोका जा चुका है और निर्माण संस्था को अवगत कराया जा चुका है कि आपत्ति के दृष्टिगत स्थान पर शौचालय निर्माण नहीं कराया जा सकता। ये निर्माण कराने का आदेश कहाँ है इसमें? ये आपने निर्माण कराने का आदेश कहाँ है इसमें? अच्छा तो इसमें लिखते हैं, हाँ निर्माण कराने का आदेश कहाँ है इसमें? आप निर्माण कराने का आदेश दीजिए। हाँ यहाँ दीवार पे रख लीजिए। जय श्री राम, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। बैठे बैठे माता राम, माता राम, वंदे माता राम। हेलो भैया, अभी फोन करेंगे। जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, महापुरुषों का अपमान, जय हिंदुस्तान, महापुरुषों का अपमान, जय हिंदुस्तान। आप अपना नाम बताने चाहिए और किस उद्देश्य आज यहाँ पे आप? अरुण कुमार फौजी, जिलाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच बरेली। आपका क्या उद्देश्य आज? मेरा उद्देश्य है हमारे जो पूजनीय महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति की स्थापना होना है उसके पास में ही ये अस्पताल प्रशासन ने सुलभ शौचालय की स्वीकृति दे रखी थी, जहाँ पर नगर निगम उसका निर्माण कर रहा था। ये नगर निगम के निर्माण करने से हम लोग समाज में इसका बहुत गलत संदेश गया और हमारे नायक का अपमान हुआ इसमें। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस मूर्ति का यहाँ पे सुलभ शौचालय हटाया जाए, हमारी मूर्ति की स्थापना। अब आगे आपकी क्या आदेश दिया है और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, इसके लिए पहले और इसको ये हटवाने के लिए अगले कार्रवाई शीघ्र करेंगे जो यहाँ पे हटना चाहिए। धन्यवाद। ये अभी इनकी तरफ से जो हम लोगों के मस्जिद मिला है हमारा ये ऊपर जो दिया है, निर्माण को लगभग 5 माह पूर्व ही रोका जा चुका है, अच्छी बात है, एवं निर्माण संस्था को अवगत कराया जा चुका है कि आपत्ति के निर्माण उक्त स्थान पर शौचालय निर्माण नहीं कराया जा सकता, निर्माण गिराने हेतु आदेशित कर दिया गया है। अभी बहुत बढ़िया। सभी हिंदू जागरण मंच के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार, हिंदू जागरण मंच जिला एवं महानगर की ओर से, कि आप लोग सुबह से आप लोग यहाँ लग रहे हैं और इसी प्रकार आप लोग एकता बनाए रखें, आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। आप लोग अपने गंतव्य पर जा सकते हैं।